हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य है, मैं लखनऊ से हूँ। हाँ जी, क्या हाल चाल है? तो अगर आप भी मेरे व्लॉग्स में फीचर होना चाहते हो तो आप मुझे इस तरह की क्लिप बना के मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। तो कोरोना की वजह से 2 महीने का लंबा वेकेशन बिताने के बाद फाइनली वो दिन आ गया जब मैं लखनऊ वापस मूव कर रहा हूँ, बिकॉज द वर्क हैज स्टार्टेड। हाँ जी, क्या हाल चाल है, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई, फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं मूव कर रहा हूँ अपने प्लेस से एंड लखनऊ वापस जा रहा हूँ। अब एक और चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि भाई, अब इस रूम की वीडियोस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर जो ऐसे मैं इंट्रो शूट कर लेता था या आप सभी से बैठ के कुछ बात करता था, तो अब फाइनली आपको मेरे लखनऊ वाले घर की वीडियो देखने को मिलेगी। तो मैं वहाँ पर जाके वीडियोज़ कंटेंट बनाता रहूँगा। अगली वीडियो बहुत तगड़ी आएगी क्योंकि लखनऊ पहुँच के मैं एक कुछ अच्छी सी जगह को विज़िट मारूँगा एंड आप सभी को बताऊंगा वहाँ के बारे में। तो कुछ एक दो प्लेसेस ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर रखे हैं, कुछ उसमें से सरप्राइज़ है, मैं अभी से नहीं बताऊंगा आपको। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ के भाई, ऐसे जब आप काफ़ी एक जगह पर एक टाइम से रहो, काफ़ी टाइम से आप एक जगह पर रह रहे हो, तो फिर जब आप जाओ वहाँ से तो बड़ा डिफरेंट सा फील आता है। तो आज वैसे ही वाइब्स आ रही है। तो अभी काफ़ी सारा पैकिंग वैकिंग करना है बिकॉज भाई पैकिंग भी ज़रूरी है एंड सारा सामान बिखरा हुआ है, लाइट से लगा के मेरे कैमरा, मेरे माइक, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर हैं, उन सबको पैकअप करना है। काफ़ी सारे मेरे कपड़े, क्लोथिंग भी सब बिखरा हुआ है, तो उनको सबको सेटअप करना है। ऑलमोस्ट 2 महीने से मैं घर पे था, तो फिर अब सारी चीज़ों को समेट के वापस निकलना है लखनऊ की ओर। बहुत ज़्यादा हैक्टिक काम था भाई, सारा सामान पैक करना इंक्लूडिंग माई कैमराज एंड ऑल द गियर्स। तो अभी सारा सामान ऑलरेडी तुम्हारे भाई ने पैक कर दिया है एंड अब मैं जल्दी आज सो जाऊंगा। अभी राइट नाउ 10 बज रहे हैं, मैं सारा सामान पैक करके सो जाऊंगा बिकॉज कल अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना है एंड कोशिश ये रहेगी कि भाई टाइम से मैं पहुंच जाऊं। जब रश नहीं होगा तब मैं सोच रहा हूं 3 से 4 बजे मैं सुबह निकल जाऊं, तो वो ज़्यादा बेटर है बिकॉज जितना जल्दी आप निकलोगे तो आपको पता है सिटी का ट्रैवल उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा एंड यू कैन ईजली गो बैक टू द डेस्टिनेशन वेर यू वॉन्ट टू गो। तो इसलिए भाई अभी सोता हूँ एंड कल आपसे मुलाकात करता हूँ सीधा लखनऊ में। हे, वेलकम टू लखनऊ। तो फाइनली गाइज, मैं अपने घर पे पहुंच चुका हूँ लखनऊ में, जहाँ पे मैं रहता था। और भाई रास्ते में जो तगड़ा सा कोहरा पड़ रहा था, रास्ते का जो व्यू था इतना जबरदस्त था कि मैंने कैप्चर जरूर कर लिया अपने फोन में। देखना चाहोगे? अरे देख लो, फ्री है, देख लो, देख लो। आप सभी को बताऊं, काफी सारा गंदा घर पड़ा हुआ था बिकॉज इतना टाइम के बाद में मैं आया था यहाँ पे एंड एवरीथिंग वाज स्कैटर्ड। तो जैसा मैं आया हूँ, आई जस्ट केप्ट एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। तो अभी प्रॉपरली सब कुछ हो चुका। उसके बाद में अपन गए थे खाना खाने और खाने में हमने सोचा कि क्यों ना खाते हैं आलू का कुलचा। हाँ गाइस, तो अभी अपन निकले हुए खाना खाने को एंड अभी लाइक आई वाज रियली फीलिंग कि भाई इट वाज काइंड ऑफ स्टार्विंग फ्रॉम इनसाइड। तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी खाना खाते हैं, तो ठीक है चलते सबसे पहले फिर खाना खाते हैं। हाँ गाइस, तो अभी फाइनली आ चुके हैं इस जगह पे जहाँ पे अपन खाने वाले आलू कुलचा एंड देखना चाहोगे? देखो गाइज, अभी खाना वाना खा के अपन जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ करने जिसके बिना खाना अधूरा रहता है, और वो है, मतलब मेरे हिसाब से खाना अधूरा रहता है, आपके हिसाब से मुझे नहीं पता, एंड वो है चाय। तो अभी अपन जाएंगे एंड चाय पियेंगे, तो चलो चलते हैं। तो फाइनली भाई चाय वाय पीने के बाद में जो मस्त तरावट आई है, अंदर से जो एनर्जी फील हो रही है बहुत जबरदस्त था। तो मतलब सच में चाय लवर ऐसा नहीं होना चाहिए।
या फिर ऐसा ही होना चाहिए। तो आप सभी बताओ कमेंट में, आप लोगों को कितना ज्यादा चाय पसंद है, क्या आप लोग खाने के बाद चाय पीना पसंद करते हो? ये स्पेशली मैं चाय लवर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप चाय पीते हो आपको पता होगा कि खाने के बाद में चाय का क्या अपना अलग मजा है। तो भाई लखनऊ आने के बाद में काफी सारी सनसनी फैल चुकी है, काफी सारे लोगों को पता चल चुका है कि भाई मैजिशियन खान लखनऊ में वापस आ चुका है। तय आप सभी को एक बात बताना चाह रहा था कि यार शाम को मेरा एक फ्रेंड मुझसे मिलने भी आ रहा है एंड दिन में ऑलमोस्ट 4 से 5 लोग मिलकर जा चुके हैं जब से मैं आया था। अभी शाम को मेरा फ्रेंड मिलने आ रहा है तो फिर मैं उससे बात करूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि वो कौन है। आई गेस आप सभी ने उसको देखा होगा, नहीं देखा? देखा है डेफिनेटली, आप सभी ने देखा है। शाम को मिलते हैं फिर। हाँ जी गाइस, तो अभी फाइनली मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने आया है। मैंने आप सभी को बोल रखा हुआ था कि आप लोग उसको जानते हो। ये जो पीछे है ये असद है, आपने काफ़ी सारे व्लॉग में उसको देखा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिम, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। एक बार ज़रा ध्यान से ये आवाज़ सुनो उसकी। हेलो, दिस इज डॉक्टर गुलाटी एंड यू नो मी, जानते हैं भाई। ये कुछ आवाज़ आपको जानी पहचानी लग रही है कि नहीं लग रही? सच बताना गाइस, लग रही है कि नहीं लग रही? क्योंकि स्वयं डॉक्टर मशहूर गुलाटी हिमसेल्फ साक्षात चल के आए भाई मिलने। देखना चाहोगे? सो देयर वी गो। यो, क्या हाल चाल है भाई? दिस इज डॉक्टर गुलाटी एंड यू नो मी। तो भाई आप मेरे लिए तालियां वालियां बजाओ भाई, बहुत दूर से आया हूँ। आप मेरा ये चेहरा देख रहे हैं, पूरा ट्रैफिक ने तो एकदम लकड़ बग्गा बना दिया मेरे को। तो गाइस कृष्णा फाइनली आ चुका है यहाँ पे मुझसे मिलने मेरे रूम पे। तो अभी यहाँ पे काफ़ी सारी मस्ती होने वाली है, हम लोग बाहर जाने वाले हैं। तो अब ये ब्लॉग को मैं आगे जाके शूट नहीं करने वाला हूँ, आज के ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा, आने वाले जो ब्लॉग्स होंगे उसमें मैं बाहर जाके काफ़ी कुछ अच्छा कंटेंट शूट करूँगा आप सभी के लिए। कुछ एक दो प्लेसेस हैं लखनऊ के जो बेस्ट हैं, अभी रिसेंटली वो ओपन हुए हैं तो मैं जाके उनको विजिट करूँगा। डेफिनेटली यू शुड गो एंड चेक देम आउट आफ्टर आई मेक द ब्लॉग। तो मतलब पहले ब्लॉग देखो, नहीं सच में पहले ब्लॉग देखो और फिर जाओ, क्योंकि तुम्हारा भाई नहीं जाएगा ना, तुम्हारा भाई जाएगा फिर तुमको बताएगा। तो मैं हूँ यहाँ।